आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आपके आलाकमान ने फैसला लिया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं कुछ लोगों का फैसला है, आलाकमान का मतलब पूरी कांग्रेस का फैसला है? देखिए अवधेश जी, भगवान राम को किसी एक पार्टी के साथ जोड़कर देखना ठीक नहीं है। नंबर एक, राम ना तो भाजपा के हैं, ना राम आरएसएस के हैं, ना राम विश्व हिंदू परिषद के हैं, ना राम कांग्रेस के हैं जी। राम किसी पार्टी के नहीं है, राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम के रूप में सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो राम मंदिर का जो निमंत्रण आया जी, ये सौभाग्य का विषय है। यदि आपको या किसी दल को या किसी पार्टी के नेता को राम मंदिर नहीं जाना है तो वो सिर्फ राम जन्मभूमि ट्रस्ट का आभार व्यक्त कर दिया जाता, एक आभार पत्र जारी हो जाता, अस्वीकार पत्र जारी होना, उसमें अस्वीकार जैसा शब्द लिखना जी, इससे क्या है कि करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। कांग्रेस में भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जी, जो भगवान राम को अपनी आस्था का आधार मानते हैं और भगवान राम जिनकी आस्था का केंद्र है। तो सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म का है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी पार्टी नहीं, कांग्रेस में भी करोड़ों लोग राम को मानने वाले, उनमें आस्था रखते हैं, फिर वो कौन लोग हैं जो आला कमान को गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये कुछ लोग हैं जिनकी वजह से फैसला हुआ है। देखिए, ये कांग्रेस के भीतर की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा द्वंद है, और इस लड़ाई में कांग्रेस के बहुत से नेता हैं जो इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जो महात्मा गांधी अपनी सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम से किया करते थे। कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की पार्टी है जी। इस राजीव गांधी ने भगवान श्री राम के मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया, जिन राजीव गांधी ने भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास कराने का काम किया। अब सवाल है कि जो महात्मा गांधी की पार्टी है, जो राजीव गांधी की पार्टी है, जो लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, जो लोग राजीव गांधी को मानते हैं, वो लोग राम मंदिर के इस न्योते को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि राम मंदिर का निमंत्रण जो मिला है, इससे हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, इसे हम स्वीकार करते हुए वहां हमें जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पार्टी को लगातार वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, सीपीआई और सीपीएम के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। उन लोगों का कांग्रेस नेतृत्व के इर्द गिर्द ज्यादा है, इसीलिए ये पत्र जारी हुआ, और इस पत्र को जारी करते हुए जो इसमें अस्वीकार शब्द लिखा गया है, मुझे इससे घोर आपत्ति है। अर्जुन मोडवाड़िया जी को भी आपत्ति है, और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत ज्यादा आहत हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि राम को किसी एक पार्टी के हक में, पार्टी के पक्ष में मान करके राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा देना, इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, और वो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट किया जी। आचार्य जी, देश के बीजेपी के साथ नहीं है जी। अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, और आप जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ लोगों की बात है, कुछ लोग गलत दिशा में पार्टी को ले जा रहे हैं, क्या आप आलाकमान से मिलेंगे, क्या आप सोनिया जी से मिलेंगे, क्या खड़गे जी से अब मिलेंगे कि वो पुनर्विचार करें अपने इस फैसले पर? डेफिनेटली अवधेश जी, मैंने अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से भी और पार्टी के फोरम तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व इस पर पुनर्विचार करेगा जी, और कांग्रेस नेतृत्व को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए जी। तो क्या कोई आश्वासन मिला है कि इस पर पुनर्विचार हो सकता है? नहीं, मुझे अभी ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है जी, अगर हमको भाजपा से लड़ना, हमें भाजपा से लड़ना है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है जी, हमारी लड़ाई राम से थोड़ी है,
हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई अयोध्या जी से थोड़ी है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। बिल्कुल, हमारी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई हिंदू धर्म से थोड़ी हो सकती है। ये जो बिल्कुल, और यही बात आपने आलाकमान को कही है, अब देखने वाली बात होगी कि पुनर्विचार होता है या नहीं। बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एबीपी न्यूज से बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम कि जिस तरीके से राम किसी पार्टी के नहीं है, राम पूरे देश के हैं, और ऐसे में कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, उन्होंने आलाकमान से बात की है और उन्होंने कहा कि पुनर्विचार का अनुरोध मैंने किया है।